आप अभी बता रहे थे कि आपकी सफ़र की शुरुआत सबसे पहले गायन से हुई, तो मुझे ये जानना था कि क्या आपके वालिद साहब आपको गायन में तो नहीं सितार में ही डालना चाहते थे, पर उन्होंने ये गायन के साथ क्यों शुरुआत करवाई? क्या इसकी कोई ख़ास वजह थी या यूँ ही गायन से शुरुआत हुई फिर आप चले गए सितार की तरफ? नहीं, ये म्यूज़िक का तरीका यही है कि अच्छा, जो भी प्रोफेशनल म्यूजिशियंस होते हैं, चाहे वो तबला भी बजाए, उन्हें गाना सीखना चाहिए। सुर नहीं मालूम है मिलाएंगे कैसे, सुर नहीं समझेंगे तो निकालेंगे कैसे, सुरी का तो खेल है पूरा। और वो सबसे ज्यादा आप जल्दी समझ सकते हैं गाने से। लेकिन क्या हो जाता है कि जैसे कोई सितार सीखने आया और उनको उन्होंने ये सुना कि मैंने गाने से शुरुआत की, तो वो सितार छोड़ के गाने में पड़ जाते हैं। ऐसा भी नहीं करना है। गाना उस हद तक सीखना है जितने में आपको सुर की समझ में, आपको गवैया नहीं बनना है लेकिन गाने की समझ होनी है, सुर की समझ आपको चाहिए। और मुझे तबला भी सिखाया गया, लेकिन तबला सितार छोड़ के तबला बजाऊं ऐसा नहीं कहा गया, इसलिए कि ताकि तबले की भी समझ आए, ताल की भी समझ आए, सुर की भी समझ आए। इसमें ताल और सुर ही तो होता है, तो ये तरीका सही तरीका है। अगर आपको सही प्रोफेशनल म्यूजिशियन बनना है तो ये ही तरीका है सही। ये कोई अलग कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया गया है, ये तो सही इसी तरह से तालीम होती है।